आपको नहीं लगता कि जब से करीना ने शादी की है वो सोशली कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गई है? करीना दिखाई देने लगी है कई जगहों पर। अब इस इवेंट को ही देख लीजिए, हाल ही में करीना नजर आई फिकी फ्रेम्स की एक इवेंट की इनॉग्रेशन पर। चलिए मिलते हैं उनसे। A beautiful orange saree, this new begum was looking extremely stunning at the event. Heroine तो वो कमाल की है ही, पर क्या production में भी हाथ आजमाएंगी? जब हमने उनसे ये पूछा, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा? I've never been interested in production or direction, writing. Acting में हमेशा दिलचस्पी रही है, बचपन से लेकर अभी तक, बुढ़ापे तक भी यही चलेगा। Set पर जाती रहूँगी। And I hope that I will one day die on a set at 80. वैसे अगर गौर किया जाए तो करीना कपूर ऐसी एक्टर है जो एक आइटम गर्ल के रूप में भी काफी पसंद की गई है। अब जब आइटम नंबर्स को एक कैटेगरी में डालने की बात हो रही है तो करीना इस बात से कितनी सहमत है? I think that's a decision by what the censors have decided. But मुझे आइटम नंबर्स करना, मुझे डांस करने का बहुत शौक है and I will continue doing that. Song and dance is a part of movie business and especially Hindi cinema ke bahut hi important part hai. Without you know it is, I mean jab aap theater mein jaye to jab fevicol bajta hai ya Sheila screen pe aati hai, I think jo chahal pahal theater mein hota hai to jaan mein jaan aa jati hai. Kareena Kapoor is one heroine jinhone hamesha trends break kiye hain, chahe wo unke styles ko lekar ho ya fir item songs ko lekar और या फिर उनकी शादी के बाद करियर को लेकर। अक्सर देखा गया है कि हीरोइंस का करियर शादी के बाद बैक सीट ले लेता है, पर बेबो इसे सही नहीं मानती। आई डोंट थिंक सो, आई थिंक अभी लोग ज़्यादा बात कर रहे हैं इसके बारे में। पहले भी अगर देखने जाए तो चाहे वो वहीदा जी हो या शर्मिला जी हो, दे वर ऑल मैरिड एंड दे ऑल एक्टेड इन फिल्म्स लाइक डॉग एंड अमर प्रेम एंड गाइड। सो इट वॉज नेवर, ये जो ट्रेंड है ये आप लोग ने ट्रेंड बनाया है पर ये पहले से चलते आ रहा है। प्यार और फिल्मों में कुछ सिमिलैरिटी नहीं है, और अगर एक औरत प्यार करती है या शादी करती है किसी से, उसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग उसे और नहीं चाहे और वो स्क्रीन पे जो उनका कैरेक्टर है उनको नहीं चाहे। तो ये बहुत दो बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स है एंड वी शुड नॉट ट्राई एंड क्लब देम। एंड वैसे भी प्यार करना और शादी करना कुछ गुनाह की बात तो नहीं है। वेल, अच्छी बात है बेबो कि आप अभी भी अपने करियर को लेकर बहुत फर्म हैं, नहीं तो फिल्मों से आपके संन्यास की खबरें सुनकर न जाने कितने लोगों के दिल टूट जाते।